नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए स्पैनर की वीडियो लेकर आया हूँ। स्पैनर से सिंथेसिस को अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। थैंक ये है आज जिसके लिए स्पैनर के बारे में बात कर रहे हैं। स्पैनर एक वैनेडियम स्टील, निकेल क्रोमियम स्टील, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं। स्पैनर का जो मटेरियल होता है, सबसे पहले वैनेडियम स्टील, फिर निकेल क्रोमियम स्टील, फिर कास्ट आयरन और फिर कास्ट स्टील से बनाए जाते हैं। स्पैनर को उसके आकार और साइज के अनुसार जाना जाता है कि कितने का है, आकार क्या है, उसका साइज क्या है, उसके हिसाब से, यानी सिंगल आकार, सिंगल एंडिंग वाला आकार है या कितने का है, 5 से 6 वाला, कितने उसका देना है, उसके आकार से किया जाता है, ठीक है। सेट स्पैनर, इस प्रकार के स्पैनर में खुले सिरे वाले कोण, खुले वाले होते हैं जिनके सिरे अक्ष के साथ 15 का कोण बनाते हैं। भाई इसमें यही है कि 15 का कोण बनाते हैं। सेट स्पैनर कितना कोण बनाते हैं? 15 का कोण बनाते हैं, ठीक है ना। यह प्रयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ घूमने के लिए पर्याप्त स्थान है, ठीक है। सेट स्पैनर 2 प्रकार के होते हैं। अब बात कर रहे हैं हम रिंग स्पैनर की। इस स्पैनर में सिरों पर सुराग होता है, जो गोल से होते हैं उसमें ऊपर सुराग, ऊपर की ओर सुराग होता है। इसमें प्रत्येक 12 मिनट से बने होते हैं, 30 डिग्री का कोण बना होता है, यानी कि 12 गुणा 30, यानी कि 360 पे पूरा जो सिरा होता है, गोल सुराग 360 पे होता है, ठीक है ना। इस स्पैनर को पकड़ने के बाद फिसलने की संभावना ही नहीं रहती, इस स्पैनर को पकड़ने के बाद फिसलने की संभावना रहती ही नहीं है। इसका प्रयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर नट बोल्ट घुमाने के लिए कम जगह हो, जहाँ पर कम जगह होगी वहाँ सी वहाँ रिंग स्पैनर का प्रयोग करते हैं। ट्यूबलेस बॉक्स स्पैनर, यह खोखला पाइप है जो कि पष्ट भुजाकार का होता है, पष्ट भुजाकार। इसका प्रयोग गहराई में पष्ट आकार के नट व बोल्ट को करने कसने व ढीला करने के लिए करते हैं। जो गहराई में लगे होते हैं ना नट बोल्ट, उनके लिए करते हैं जो पष्ट भुजाकार होते हैं, उस तरीके के नट बोल्ट को करने के। सॉकेट स्पैनर, यह स्पैनर ट्यूबलर बॉक्स स्पैनर की तरह होता है। इस स्पैनर का आकृति बिल्कुल ट्यूबलर बॉक्स स्पैनर की तरह ही होती है, बस अंतर इसमें इतना है कि यह एक कम जगह वाली कम जगह में काम करता है और ये कम गहराई। वो जो तुम्हारा ट्यूबलर बॉक्स स्पैनर था वो अधिक गहराई के लिए था, लेकिन यहाँ है अब सॉकेट स्पैनर जो कि बहुत ही कम गहराई। इसके लिए मैं लगा देता हूँ कि चाहे इसका प्रयोग कम गहराई वाले के निशान की जगह के में कर दें इसमें, ठीक है ना। कम गहराई में जगह जहाँ कम हो, अधिक मजबूत से पकड़ना हो, उस जगह इसका प्रयोग करेंगे। मान लीजिए कि गहराई तो हो उसकी कम, और गहराई हो कम और जगह भी कम हो, गहराई भी कम हो और जगह भी कम हो, और मजबूताई से पकड़ रहे हो, तो मजबूताई से जब पकड़ेंगे ना तो वो होगा हमारा ये सॉकेट स्पैनर, ठीक है ना। एडजस्टेबल स्पैनर, इसका प्रयोग हल्के कार्यों के लिए करते हैं। इसका साइज इसकी लंबाई से लेते हैं, जितने लेंथ की इसके इसका होगा ना उसी हिसाब से इसका साइज ले लिया जाता है। मान लीजिए ये 150, 200 और 300 mm में होते हैं। इसका प्रयोग हल्के कार्यों के लिए करते हैं। एडजस्टेबल, इसमें एक नट लगा होता है जो कि उसके हिसाब से अपने हिसाब से इच्छित अनुसार उसको हम कर सकते हैं। चलिए मैं एक सेकंड, तो इसका प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर 150, 200 और 300 mm के पकड़ होते हैं, हल्के हाथ हल्के गाड़ी। पिन हुक स्पैनर, इसी स्पैनर का सिरा गोलाकार का होता है। ये सी स्पैनर भी कहते हैं। इस स्पैनर का प्रयोग गोलाई आकार के नट के लिए करते हैं या बेलनाकार, ठीक है, गोलाई हो बेलनाकार हो। इसका प्रयोग माइक्रोमीटर का एरर भी ठीक करने के लिए करते हैं। मैं इसको चलो उसको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से होता है, इसमें ये पिन होता है, जो पिन इस तरीके से एल पिन आधा अर्ध गोलाकार होता है, ये अर्ध गोलाकार, इसमें गोलाई में लगा होता है। इसमें माइक्रोमीटर का गोल नट होता है, उसमें इसमें लगा कर इससे इसके द्वारा उसको एरर ठीक कर लिया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। ये स्पैनर लेकर आया था जो कि कभी कभार क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं एक बार आपको दोबारा दोहरा देता हूँ। इसका मटेरियल वेल्डिंग स्टील, निकेल क्रोम स्टील, कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। सिंगल एंडिंग जो स्पैनर होते हैं, जो सेट स्पैनर जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, इसे 12 डिग्री कर कोण। रिंग स्पैनर, ये 12 नोचिस वाले होते हैं जो 12 गुना 3 होता है, 360 का कोण बनाते हैं, यानी ये 12 नोचिस 30 डिग्री पर होते हैं। ट्यूबलर, जो गहराई में काम करते हैं वो ट्यूबलर होते हैं।